हेलो बच्चों, जैक बोर्ड में पढ़ रहे सभी क्लास 10 के बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम में सिर्फ और 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करें। और आप जानते हैं जैक बोर्ड में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो या तो पिछले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है या फिर उसके जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैक बोर्ड यही सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2021-22 यानी जो इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए पहले मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका क्वेश्चंस को। आज हम लोग साइंस का सेट करेंगे, साइंस का सेट नंबर 1। मैं इसका पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका अवतल और एक होता है उत्तल। इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और एक तरह का दर्पण ये, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल इंग्लिश में से कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और हिंदी में से इंग्लिश में से कॉनवेक्स मिरर कहते हैं, कॉनवेक्स मिरर भी कहते हैं। सब लोग जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए किस तरह का मिरर का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इसके पोल और फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, इसका इमेज बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है। बड़ा बनेगा अगर आपका फेस छोटा सा है तो आपको बहुत बड़ा फेस दिखाई देगा, साथ में ये सीधा बनेगा। मतलब सीधा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फेस ऊपर, जो आपका सर ऊपर है पैर नीचे है, तो दर्पण में भी आपको सर ऊपर और पैर नीचे दिखाई देगा। और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है उसमें कैसा होगा, मान लो ये अगर वस्तु है इसका इमेज इस तरह से बनता है, इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, तो इसे हम उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में जब आप पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो इसका कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या, हम लोग जानते हैं ये पहला पॉइंट जो होता है ये फोकस होता है, फोकस के बाद जो पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं वो कौन सा होता है, वो हम लोग का वक्रता केंद्र होता है, इसे फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस, और इसे वक्रता, वक्रता केंद्र कहते हैं। पोल से लेकर के ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी कहते हैं, और पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो जो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या होता है फोकस का डबल होता है, मतलब आर का जो वैल्यू होता है वो फोकस का डबल होता है, या ऐसा भी कह सकते हो जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, f = r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? हम लोग जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे हम 2 अलग अलग मीडियम बनाते हैं, मान लीजिए कांच का स्लैब है, ये कांच का स्लैब है, ये कांच है, या फिर ग्लास स्लैब है, या फिर ये ग्लास स्लैब है, एक लाइट जो ऊपर में क्या एयर है यानी हवा है या वायु है, जब कोई किरण हवा से या वायु से इस कांच के ऊपर में गिरती है तो इसलिए ये जो लाइन है, मान लो इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये ऐसे न जा करके थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है। कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा पाथ चेंज कर देती है, इस फेनोमेनन को या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
अपवर्तन, या इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको हिंदी वर्ड्स के साथ साथ इंग्लिश वाले वर्ड को भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि क्लास टेंथ के बाद जो भी बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनको सारा चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश भी सीख लीजिए, तो आगे जाके आपको ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, वरना हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा भौतिक राशि, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन ए में आवृत्ति है, ऑप्शन टू में वेग है, तरंग दैर्ध्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ये चेंज नहीं होती है। बाकी चीज़ जैसे मान लो इसका वेग बदल जाता है, लोग कहते हैं कांच में वेग क्या होता है, कम होता है, यहाँ पे कांच प्रकाश का वेग वेग निर्वात में या फिर हवा में या वायु में अधिक होता है, जबकि कांच में कम होता है, हीरा में और कम होता है, पानी में भी प्रकाश का जो वेग है वो कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर किरण किस बिंदु से गुजरेगी। कहने का मतलब है अगर हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण, और इस प्रिंसिपल एक्सिस या ये प्रमुख कक्ष के समांतर एक हम किरण लेते हैं, तो ये जब किरण इस मिरर पे टकराएगी, इस दर्पण पे टकराएगी, टकराने के बाद ये कहाँ से परिवर्तित होगी, ये फोकस से परिवर्तित होगी, जो पॉइंट होगा ये पॉइंट फोकस होगा। जैसे कोई अगर किरण है, कोई रे है, अगर इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या फिर इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या मुख्य अक्ष के प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी, और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से लिख भी लेना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। देखो जो उत्तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण ये कैसा प्रतिबिंब बनाती है, ये हमेशा छोटा बनाती है, वस्तु से हमेशा छोटा बनाती है और हमेशा सीधा बनाती है, हमेशा ये सीधा बनाती है और काल्पनिक बनाती है, ये बात आपको याद रखना है, काल्पनिक। लेकिन जो अवतल दर्पण है ये अलग अलग तरह से बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को या वस्तु को किस जगह पर रखो। जब आप वस्तु को पी और एफ के बीच में रखोगे, वस्तु को पी और एफ के बीच में रखोगे तो इसका सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वही आप एफ में रखोगे तो बहुत बड़ा बनेगा, अब एफ के पीछे रखोगे, एफ और सी के बीच में रखोगे तो बड़ा बनेगा, लेकिन इस बार कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। सी पे रखोगे आप एग्जैक्ट तो सी पे ही बनेगा, सीधा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, मतलब अगर आप सी पे रखते हो तो यहीं पर बनेगा इसका इमेज। ये वस्तु है, इसका नाम मैंने मान लो ए बी दे दिया है, और ये इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, मान लो नाम दे दिया, तो ये कैसा बना है, ए बी जितना बड़ा, ए डैश बी डैश उतना ही बड़ा, यानी वस्तु के आकार का बनता है। तो वस्तु के आकार का किसमें बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में कैसा होता है, हमेशा छोटा वास्तविक और सीधा बनता है, सॉरी काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। हम लोग जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, जैसे परावर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, जब भी लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस से या चमकदार सतह से टकराती है तो यह लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी या वापस किसी माध्यम में रिटर्न बैक हो जाएगी, कम बैक हो जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कितने नियम है, इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है इसका, ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम आई कहते हैं और इस एंगल को हम आर कहते हैं। जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है ये बराबर होते हैं, ये पहला नियम है।
दूसरा नियम क्या है, अगर आप इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचते हो, सब मान लो ये नॉर्मल बन गया या अभिलंब बन गया, ठीक है, तो तीन चीजें एक ही सतह पर या एक ही समतल प्लेन पे, एक ही सरफेस पे होगी, कौन कौन सा? पहला आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और तीसरा चीज होगा अभिलंब। ये तीनों बातें, ये तीनों रे एक ही सतह पर होगी यानी एक ही सरफेस पे होगी, तो ऐसा कितना नियम है? ऐसा दो नियम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, सिक्स का ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू टू एफ होता फॉर्मूला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या 50 दिया हुआ है, आपसे फोकस दूरी पूछा गया, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आर बाई टू। तो वक्रता फोकस त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर, फोकस निकालने के लिए टू से डिवाइड कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है, वक्रता 50 है तो फोकस होगी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? देखो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? इस तरह का जो शेप का लेंस होता है इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। अब इसका जो फोकस दूरी होती है कैसे निकाले हम लोग, याद रखना हमेशा फोकस निकालने का तरीका ये होता है कि सारा बहुत सारा समांतर रे इस मिरर के ऊपर ऊपर के ऊपर मिरर के ऊपर परिवर्तित करवाइए। देखो ऐसा बहुत सारा मान लो रे आके इस मिरर पे टकराती है, जैसे ये टकराएगी ये लोग जाके क्या होगा, एक पॉइंट पे मीट करेगा। अब जिस पॉइंट पे मीट करेगा वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इस दर्पण को, ये दर्पण हो गया, इसका सबका फोकस कहाँ पर? जो जहाँ पे मीट किया ये पॉइंट हो गया इसका फोकस। अब आप देखो ये किस तरफ है, ये राइट साइड में है, तो जितना भी किरण होता है जो राइट साइड में उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव है, सारी दूरी को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी दूरी हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव दूरी मान लेते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पहली बात तो ये। इसके अलावा हम लोग जानते हैं क्षमता, क्षमता यानी कि पावर, इसके फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई एफ। एक बात याद रखिएगा, जो एफ होता है वो आपको किसमें लेना है? मीटर में लेना है, इन मीटर, मीटर में लेना है। अगर आपका एफ सेंटीमीटर में दिया तो फिर क्या फॉर्मूला होगा? उस टाइम पे फॉर्मूला होगा वन बाई एफ हंड्रेड बाई एफ, और एफ इस बार किसमें दिया आपने? सेंटीमीटर में। तो अगर एफ का वैल्यू मीटर में दिया है तो वन बाई एफ होगा, अगर एफ का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया तो हंड्रेड बाई एफ होगा। इस वाले क्वेश्चन में कितना दिया? फोकस दूरी एक मीटर, यानी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक मीटर, और उत्तल लेंस से तो लोग फोकस दूरी को किसमें लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, मतलब प्लस वन। तो पी का वैल्यू निकालिए कितना होगा? वन बाई एफ यानी वन बाई वन मीटर, मीटर हम हटाए थे तो वन बाई वन का वैल्यू कितना? वन। और पावर यानी क्षमता को हम लोग किससे नोट करते हैं? किससे लिखते हैं? डायोप्टर से, तो वन डायोप्टर होगा इसका आंसर। तो 8 का ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है किसमें होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैंने अभी बताया पॉजिटिव में होती है, इसका जस्ट उल्टा अवतल लेंस से दिया होगा तो इसका फोकस दूरी किसमें होगा? इस अवतल लेंस का फोकस इस तरफ होगा, और इस तरफ का नंबर का हम किसमें लेते हैं? माइनस में लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव यानी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जो ऑप्शन आपको गिवन है आपको याद रखना, सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, सबसे अधिक निर्वात में, निर्वात से थोड़ा सा कम होता है किसमें? वायु में। इससे और कम किसमें होता है? इससे और कम होता है पानी में। इससे और कम किसमें होता है? कांच में। और कम किसमें होता है? और कम हीरा में होता है। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होगा? सबसे ज्यादा निर्वात में होगा, और सबसे कम कितना होगा? हीरा में होगा। लेकिन इस ऑप्शन में हीरा तो नहीं दिया, इसमें इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ? जो ऑप्शन दिया है इसमें कांच दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी यानी कांच। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो अवतल लेंस दिया हुआ यानी हम लोग नेगेटिव लिखेंगे इस बार,
हम जानते हैं फॉर्मूला क्या था, p इक्वल टू 1 बाय f होता है। तो और f का वैल्यू अगर आपको निकालना हो इसमें से, तो f का वैल्यू कितना होगा, 1 बाय p होगा। ठीक है, अब देखो f इक्वल टू 1 बाय p, p के मतलब मैं कितना लिखूंगा, क्वेश्चन में गिवन है 4t, ये मेरा 4t है, तो f का वैल्यू 1 बाय 4, इसको आप डिवाइड करो कितना आएगा, 0.25 मीटर। ठीक है, 1 को डिवाइड करोगे 4 से आंसर आएगा 0.25 मीटर। अब इस क्वेश्चन आंसर जो है वो मीटर में तो किसी में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो जब इसको कन्वर्ट करो, जब इसको चेंज करोगे तो कितना होगा, 0.25 मीटर में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किसी उत्तर लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। एक उत्तर लेंस दिया है, इसकी फोकस दूरी का वैल्यू कितना है, फोकस दूरी इसका दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, आपसे इसका क्षमता पूछा गया। हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, उत्तर लेंस से तो इसका फोकस किस में होगा, पॉजिटिव होगा। मुझे पी निकालना है, पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 1 बाई एफ, लेकिन ये फॉर्मूला जब एफ का वैल्यू मीटर में दिया हो तभी यूज करना है। देखो मैं लिख रहा हूँ, जब एफ का वैल्यू मीटर में दिया हो तो 1 बाई एफ यूज करना है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया तो क्या यूज करना है, 100 बाई एफ। एफ का वैल्यू किस में, सेंटीमीटर में, तो हम यूज करेंगे 100 बाई एफ, 100 बाई एफ मतलब कितना, 50। ये जीरो कैंसिल, 5 2 10, तो आंसर क्या होगा, +2। तो पावर का वैल्यू यानी क्षमता का वैल्यू कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर डी यानी 2 सेंटीमीटर डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, देखो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होगा, निर्वात में होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें आपको एनर्जी मिलता हो, जिसमें आपको ऊर्जा मिलती हो, तो ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जिसमें आपको ऊर्जा मिलेगी। तो पहला ऑप्शन है श्वसन, लोग जानते हैं जब लोग श्वसन होती है तो उसमें से हम लोग को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। लोग जानते हैं चिप्स को अगर हम ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से वो चिप्स खराब हो जाती है कुछ ही दिनों में। ठीक है, खाने पीने कोई भी चीज़ को अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आपको इसको लंबे समय तक ठीक रखना है, अच्छा रखना है, तो उसमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको नाइट्रोजन गैस भर के रखना पड़ेगा। अब देखिए चिप्स जो होता है ना, अंदर में बहुत थोड़ा सा चिप्स होता है चिप्स के पैकेट के अंदर में, बाकी में पूरा हवा भरा रहता है, लेकिन वो असल में हवा नहीं है, वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का काम क्या है, उस चिप्स को बचा के रखती है, हेल्दी रखती है, साफ रखती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 का बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये समझते हैं। हम जंग का रिएक्शन लिखते हैं 4Fe+3O2+2XH2O F2Fe2O3.XH2, यह है रिएक्शन किसका, जंग लगने का। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने रिएक्टेंट्स हैं, 3 लोग हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर रिएक्शन कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया करने वाले 3 लोग हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल जो उत्पाद है वो कितना, 1 है। रिएक्शन करने वाले 3 लोग 3 चीज़ों को मिला करके एक रिएक्टेंट, एक उत्पाद बन रहा है या फिर एक प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक मिल करके एक नया सिंगल यौगिक बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो ये किस चीज का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, ZnO+C ZnCO, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में आपसे पूछा गया है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन होने का मतलब क्या है, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, और अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हट जाना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उपचयन, उपचयन मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और अगर आपसे पूछा गया अपचयन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा।
उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, अगर किसी रिएक्शन में अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन उसमें से हट जाएगा। अब आपको इसमें देखना है कि किस वाले में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किस वाले में ऑक्सीजन हट रहा है। अब ध्यान से देखो, जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ था लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पे सिर्फ जिंक बचता, ऑक्सीजन हट गया। पहले ZnO था यानी जिंक और ऑक्सीजन एक साथ में था और अभी क्या होता है, सिर्फ जिंक होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन का हट जाना मतलब ये कौन सा होगा, या होगा अपचयन, अपचयन। और इसके अलावा कार्बन में ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है, पहले सिर्फ कार्बन था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ जाना, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है या फिर इसमें अपचयित हो जा रहा है यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। और जिंक क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट जा रहा है यानी इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है यानी इसका अपचयन हो रहा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किस पदार्थ का उपचयन हो रहा, तो कार्बन का इसमें उपचयन हो रहा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा समीकरण संतुलित है। आपको चार रिएक्शन दिया है यानी चार समीकरण दिया है, आपको पहचानना है इसमें से कौन सा समीकरण संतुलित है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यानी कि बाएं तरफ और दाएं तरफ में जो एटम्स है उसका नंबर इक्वल होना चाहिए। हम लोग वन बाय वन चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो नंबर वन में CaOH2 प्लस CO2 और ये बन रहा CaCO3 प्लस H2O। अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम में कितना, सिर्फ एक ही कैल्शियम है, यही कैल्शियम राइट साइड में आप देखो तो यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर भी कितना कैल्शियम है, सिर्फ एक कैल्शियम है यानी कैल्शियम इसमें लेफ्ट साइड में जितना राइट साइड में उतना ही है यानी कैल्शियम इसमें बैलेंस्ड है। अब आगे नेक्स्ट बात आती है किसकी, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, इस जगह में ऑक्सीजन देखो ये पूरे ब्रैकेट के अंदर बाहर में 2 लिखा है ना, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है, 2 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया। और क्या है देखो इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन टोटल कितना हो गया, 2 + 2 = 4, राइट साइड में भी 4 होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, लेफ्ट साइड में भी 4 राइट साइड में भी 4 यानी ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन चेक करो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। नेक्स्ट क्या, कौन सा एलिमेंट बचा, नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन यहाँ पर कितना, कार्बन यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ कार्बन कितना, यहाँ कार्बन 3 है यानी कार्बन इसमें बैलेंस्ड नहीं है यानी कार्बन बैलेंस नहीं, बाकी सारा तो बैलेंस था, कैल्शियम बैलेंस था, हाइड्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस था लेकिन कार्बन इसमें बैलेंस नहीं है। रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं, देखो H2 + O2 और ये बनेगा 2H2O, इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें 2 है। अब राइट साइड का हाइड्रोजन देखो कितना है, राइट साइड में हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन के नीचे जो नंबर लिखा है और आगे जो नंबर लिखा है दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन इसमें कितना, 4 है, हाइड्रोजन पहले 2 था, हाइड्रोजन अभी कितना हो गया, 4 हो गया, तो बैलेंस नहीं है यानी कि संतुलित नहीं है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ इसके नीचे 2 और आगे 2, अगर एक नंबर के आगे भी कुछ लिखा रहेगा नीचे भी कुछ लिखा रहेगा, आप क्या करोगे वो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा, गुना कर देगा, तो यानी 2 × 2 = 4 हो गया, हाइड्रोजन इसमें कितना, 4 है। और ऑक्सीजन इसमें अगर आपको चेक करना है ऑक्सीजन कितना होगा, जो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है ये 2, ये जो 2 है ये कॉमन है मानी ये हाइड्रोजन के लिए भी ऑक्सीजन के भी ये भी है, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ नंबर है ये सिर्फ हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, ये 2, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, तो लोग इसको संतुलित नहीं बोल सकते। अगला रिएक्शन चेक करते हैं 4Al + 2O2, इसका सॉल्यूशन होगा Al2O3। अब इसमें देखो एल्युमिनियम कितना है, 4 है और इसमें एल्युमिनियम कितना है, 2 है, इसमें ऑक्सीजन कितना है,
गुना कर देंगे इसको, दो दूनी चार हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, थर्ड नंबर भी बैलेंस नहीं है। नंबर फोर देखिए, नंबर फोर में टू सी यू प्लस ओ टू और ये है आपका सी यू ओ। कॉपर इसमें कितना है, दो है, कॉपर यहाँ पर कितना है, एक है, यानी कि ये भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, चारों रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन संतुलित नहीं है। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड ने गलत पूछा था, अगर आपके एग्जाम में ऐसा गलत क्वेश्चन आता आप किसी भी एक ऑप्शन में टिक करके आ जाना, बाद में उसका आंसर मिल जाता, मार्क्स मिल जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं कोई भी एक ऑप्शन को करेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर टू लगा दूंगा तो ये करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो सी यू कार्बन कॉपर दो है, यहाँ पे कॉपर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो है, तो ये बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर। आप लोग भी जब नोट करोगे इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना, इसमें मिसप्रिंट था। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया, पी बी प्लस सी यू सी एल टू में रिएक्शन लिख लेता हूँ। पीवी यानी लीड, कॉपर क्लोराइड, लीड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन है आपको यहाँ मिला, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब देखोगे यहाँ से क्या हो रहा है, जो कॉपर है और ये लीड है, कॉपर किसके साथ अटैच था, यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ अटैच था, लेकिन रिएक्ट और जो लीड था वो अलग से था, क्लोरीन और कॉपर एक साथ में है और लीड अलग है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये लीड यहाँ आ जाता है और कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाता है, कॉपर बाहर निकल गया अलग हो गया और ये जो लीड है पीबी वो इस जगह में आ गया, पीबी सीएल टू बन गया, यानी लीड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया या फिर विस्थापित कर दिया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को हटा करके उसके जगह पर बैठ जाए, वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, है ना, या फिर इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन। नीचे दिए गए कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, गंधीय सूचक मतलब क्या होता है आपको, सूचक मतलब क्या होता है, वैसा चीज, वैसा सब्सटेंस जो आपको ये बता सके जो गिवन चीज है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। मान लो आपको कुछ भी दिया हुआ है, एक लिक्विड गिवन है, अब आपको पता करना है ये जो लिक्विड है ये लिक्विड एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है। तो इसको पता करने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब सूचक दो तरह का होता है, एक सूचक तो ये होता है जो कलर बदल दे, और दूसरा सूचक ऐसा होता है मतलब जैसे आप किसी चीज को डालोगे इसमें अपना कलर चेंज कर देगा, सामान लिटमस पेपर डालोगे वो अपना कलर चेंज कर देता है, और एक दूसरा सूचक होता है जो सूंघ के पता कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, या फिर हाँ गंधीय सूचक कहते हैं। इसका एग्जांपल में क्या होगा, प्याज, अगर आप किसी छार में प्याज डालते हो और आपने प्याज का रस ले लिया, इस मान लो इस कटोरे में प्याज का, अब देखिए हमें प्याज का जो एक बहुत ही घटिया सा स्मेल होता है, अगर आप इसमें छार डाल दोगे है ना, तो जो स्मेल है वो स्मेल खत्म हो जाएगा प्याज का, तो आप समझ जाओ कि जो चीज आपने डालते हो वो छान है, लेकिन इसे प्याज में जब आप अम्ल डालते हो तो उसका जो सेंट है वो सेंट खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्याज क्या है, एक तरह का गंधीय सूचक है जो ये पता करता है कि जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था वो छार है या नहीं है, अगर छार होगा तो उसका प्याज का सेंट खत्म हो जाएगा, अगर अम्ल होगा उसका सेंट जो है वो खत्म नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्याज। तो ये था पहला 20 क्वेश्चन का डिस्कशन, हम लोग अगले वीडियो में फिर से करेंगे, जो बचे हुए 20 क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।